लेकिन मतलब बीटी सबसे ज्यादा मेरे को क्या हुई, जेक के हारने की नहीं हुई। BGX कल रात को लेट सुबह सुबह के 5 बजे सोने गया हूँ मैं जेक पॉल वाली फाइट देख के, ठीक है। रात को चालू कर दी और सुबह के 5 बजे सोने गया हूँ। उससे पहले रात को इतने टाइम बाद अपने पुराने दोस्तों के साथ, सबके साथ लाइव निष्ठा के साथ तो मैं जाता ही रहता हूँ, मतलब लाइव तो नहीं जाता बट निष्ठा से तो कनेक्टेड हूँ, बाकी सबसे कनेक्टेड हूँ इंस्टाग्राम के थ्रू, इट्स जस्ट की बात ज्यादा नहीं होती। तो कल उन सबके साथ लाइव गए थे, इतने टाइम बाद मैं कितने लोगों के साथ लाइव गया हूँ, वो थोड़े पुराने दिन रिकॉल हो गए। वो क्योंकि जब फाइट जेक पॉल की फाइट से पहले जो टाइम था ना उसमें गया था मैं लाइव, फाइट देखी और भाई जो दिमाग खराब हुआ, मतलब जेक एंट्री से इतना सहमा हुआ सा लग रहा था कि मतलब आज हारेगा हारेगा, बट उसने भी अच्छा था पंच लैंड करे, बट इतने ज्यादा नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, इट वाज नॉट अ बायस्ड फाइट, इट वाज अ फेयर फाइट। जेक ने भी अच्छा खेला, टॉमी ने भी अच्छा खेला, इट्स जस्ट टॉमी ने थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा, जेक थोड़ा ज्यादा मतलब वो लग रहा था खत्म सा लग रहा था उसके सामने, खत्म नहीं लग रहा था। मैं जेक पॉल फैन बट यार वही मतलब एज अ वेरी ट्रू एंड ऑनेस्ट ओपिनियन बोलूं तो जेक वो उस हिसाब से कर नहीं पाया, कैपेबिलिटी अपनी निकाल नहीं पाया, मतलब जितना वो कैपेबल है ना उतना दिखा नहीं पाया, बट उसने तो अभी बहुत बढ़िया खेला यार। बड़ा ही मैं भी वही बात कर रहा हूँ जिस बात का आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, व्लॉग्स में वेलकम बैक टू रानी लोग, आई होप यू ऑल वेरी हैप्पी, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सुबह उठते ही घर मम्मा ने डंडा करना स्टार्ट कर दिया, जा ट्यूशन 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 ट्यूशन, मतलब भाई 5 बजे का सोने गया वो बच्चा, 9 बजे उठे और फिर उसके बाद से जो मैं टूटी फूटी नींद में रहा हूँ ना, फिर मैं एट द एंड 10:30 बजे मैंने हाथ जोड़ के मैंने गिव अप कर दिया, मैंने हाँ भाई उठ गया, व्लॉग एडिट मारा और फिर अब जब ट्यूशन निकलने भागे तो आंटी का मैसेज जाके 3:30 ही आना अब डायरेक्ट, तो 3:30 जाएंगे और क्या। क्या मत भेजो ना इसको बाहर, आपको भी जाना है इसके बहाने, आप निकल जाओगे मेरे को पता है। क्या है आपको क्या चाहिए, देख 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 देख, तबीयत कैसी है अब आपकी। एमी पिछले दो व्लॉग्स से इसी कपड़ों में, इसने ना नहाई है ना कपड़े चेंज करे अभी तक, इस टी-शर्ट ऐसा क्यों, लेकिन कपड़े क्यों नहीं चेंज करे, कपड़ों की कमी है आप पे, दो दो अलमारी लेके बैठी हुई हो मम्मा की तरह, उसके बाद भी कमी हो रही है आप पे। मेरी अलमारी में भी कपड़े हैं आपके, पता नहीं मेरी अलमारी में दुनिया सबके कपड़े होते हैं, पूरे घर में जितने भी कपड़े हैं मेरी अलमारी में डाले जाते हैं, बताओ। और मेरे को इतना अच्छा सेक्शन दे रखा, गरीब आदमी वो बाथरूम के ड्रॉअर में एडजस्ट कर रहा है, ऐसे बाहर पड़े हुए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, मेरे पे कपड़े रखने की जगह ही नहीं है भाई कसम से। एस्क्यूरी मोटी दत्तो, एमी लैपटॉप टूट जाएगा मत कर, तेरे को कुछ ना कुछ करना ही है। लेकिन मतलब बीटी सबसे ज्यादा मेरे को क्या हुई, जेक के हारने की नहीं हुई, ये हुई क्या, मैंने इतनी डेडिकेटली पूरी फाइट देखी और भाई साहब उसके बाद भी मतलब रिजल्ट कुछ नहीं आया, और उसके बाद सुबह इतने ताने भर के मिल गए, नेवर माइंड भाई जैसी जिंदगी अब क्या करे, जीवन ही ऐसा है, संघर्ष तो करना पड़ेगा, नींद बहुत आ रही है तो एक आधी यूट्यूब पर वीडियो और देखूंगा, थोड़ी देर पढ़ जाऊंगा, फिर उठ के फिर ट्यूशन चले जाऊंगा, अभी तो यही सिस्टम बिठा रखा है हमने, उसके बाद का क्या सीन है नहीं पता, नींद आ रही बहुत खींच के। लोग इस देश का युवा जा रहा है ट्यूशन फाइनली, इतनी बढ़िया मतलब जीवन की सबसे बढ़िया ऑथेंटिक नींद ली है मैंने, मतलब सारी निराशा टायर्डनेस सब दूर, जो नींद ली ना मैंने पूरी वसूली अपनी रात, 3:15 पे उठा हूँ मैं अभी सो के, और क्या नींद आई बड़े भाई, मजाक से हट के मतलब दिल गार्ड नड अच्छा हो गया, अब चलते ट्यूशन, अब करेंगे पढ़ाई क्योंकि परसों है पेपर आप लोगों के लिए, कल मेरे लिए परसों अब यार बीटी हो जाएगी, अब मैंने क्यों बोल दिया, मैं ट्रॉमा में चले जाऊंगा कि यार परसों पेपर है, जो भी याद करा होगा सब भूल जाऊंगा। एक तो है ना मैं बीटी बड़ी जल्दी लेता हूँ, मैं हूँ थोड़ा यार टची सा इंसान हूँ यार, मेरे को ना कभी कभी मतलब मेरे को कुछ कुछ बातें ऐसी जो जो छू जाती है ना, जो छू ही जाती हैं, फिर टच इन द सेंस थोड़ा इमोशनल हूँ मैं, इमोशनल पर्सन हूँ बहुत ज़्यादा, थोड़ा क्राइबी भी तो नहीं बट इमोशनल पर्सन हूँ बहुत ज़्यादा, इतना तो समझ ही गए हो यार, 608 ब्लॉग डाल दिए, इसको गिन के 608 बोल रहा हूँ, अगर इतने लंबे टाइम में भी नहीं समझे तो अभी क्या समझोगे। अच्छा और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं यार कि तू ग्रो नहीं हो रहा, हमेशा की तरह मेरा एक ही जवाब है, जब होना होगा ना किसी का देख के नहीं होगा, और जब होगा रैप फाड़ के होगा ना कि मतलब सब देख के रह जाएंगे, किसी का देख के नहीं होगा, मैं तो मेरा थोड़ा माइंडसेट है विच इज अ गुड एंड अ पॉजिटिव माइंडसेट, ऐसे रहना चाहिए दोस्तों। अगर ऐसा मैं आंसू आ रहा है, मौसम बढ़िया सा हो रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन आंसू क्यों आ गए एकदम से मेरे यहाँ, क्यों मेरा वापसी चिली पटेटो खाने का मन सा हो रहा है, कोई नहीं ट्यूशन से ब्रेक लेके जाऊंगा ना तब क्या बोलते हैं जाके चिली पटेटो खाऊंगा, ज्यादा दूर थोड़ना है यहाँ से, मुश्किल तो 5 मिनट ही है, जितना यहाँ से स्कूल है उतना से वो शॉप है चिल्ली पोटैटो वाली, सेम डिस्टेंस, ये वो स्कूल के उधर से 1 मिनट की वॉक है और स्कूटी पे तो कुछ सेकंड ही। हाँ तो बड़े बड़े ट्यूशन हो चुकी है ओवर, हो गई अच्छी खासी पढ़ाई जितनी हमने करनी थी, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा, थोड़े वो जो नोट मेकिंग होता है
उसका प्रोसेस समझ रही हूँ कैसे करना है। फिर एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करती है, और कल भी एक करेंगे, कल दो कर देंगे, जिससे फिर हम फाइनल प्रिपेयर हो जाए पेपर के लिए। ये टारगेट है कल दो पेपर कर दें हम। एंड हाँ, और क्या, हम निकलते हैं, ब्रेक तो हमने लिया नहीं, तो सीधा हम चिली पटेटो खाने, ट्यूशन एंड हो गई तभी जा रहे हैं, एक ही बार खा लेंगे हम, जब क्रेविंग चली रही है तो खा भी जाता है ना। क्या देखने वाली ये बात है, दुनिया भर का गोल्डन आवर जितना भी होता है ना, हमारे घर में सबसे लेट आता है, इस साइड सबसे ज्यादा रहता है पूरे टाइम, मतलब इस साइड बहुत देर तक गोल्डन आवर रहता है। आओ कभी फोटो वोटो खींचने तो उधर ही खींच लेंगे यार, अब से गोल्डन आवर वाली बढ़िया सिस्टम है ये। आ गया भाई अपने फेवरेट चिली पोटैटोस, तो ये खाते और पेट भरते थोड़ी देर। बड़ी मंचिंग भी जरूरी है लाइफ में बड़े भाई, वरना काम कैसे चलेगा। यार मैंने ना पैक करा ली, क्योंकि मैंने ना ट्यूशन जाने से पहले सैंडविच खाया था, तो वो थोड़े पेट भरा हुआ है, तो बाकी घर जाके खा लूंगा मैं। लग रहे ना अच्छे स्प्रिंग रोल्स, नहीं लग रहे ये नीचे ऊपर देख रही हो, ऊपर देख रही हो, अच्छा ठीक लग रहे हैं। हम बेवकूफ है, अटैक 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 अटैक, साथ चलते हैं। निकल रहा था मम्मा आ गई लिफ्ट से, ठीक है। अब मैंने कहा अच्छी लग रही हो, तो अब उन्होंने कहा कुछ बताना। अब इस टोन में बोला ना कि मेरे को लगा मैंने कुछ कर दिया, कुछ हुआ है, ठीक है। अब अंदर गया तो बोले नहीं मैं अच्छी लग रही हूँ, ये बताने के लिए मेरे को अंदर तक ले गई, और मैंने दोनों लिफ्ट बुलाई थी, दोनों लिफ्ट चली गई, एक भी नहीं होगी। भगवान कसम इस, अरे रील का आइडिया, ये तो ये रील का कॉन्टेंट है, इस पे तो बड़े भाई रील बनी जाएगी। अब क्या मतलब, मैंने अपना आइडिया लीक कर दिया कल के कॉन्टेंट का, कर दिया जो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वैसे नीचे उतर रहे थे, बलून लेके जा रहे हैं, वाटर बलून खुला के थोड़े मार मोर देंगे, मन सा करो तो। इधर चिल कर रहे थे उतने में बुआ का कॉल आ गया, बुआ जरा आई है ले, तो मेट्रो स्टेशन इसलिए उनको लेने जाना पड़ेगा, फटाफट चलो ले आते। और क्या, मम्मी पापा तो गए उनको शादी में जाना रिलेटेड की, हमें तो लेके नहीं गए। कोई बात नहीं भाई, फ्री का खाना आज अपने नसीब में नहीं है, क्या बोलते हैं, बुआ को लेके आना हमारे नसीब में। और क्या, चलो भाई आज के लोग भी हिराबुक कर देंगे। सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज व्लॉग, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके चला गया मन करे तो। दिस वी बॉय के वन साइनिंग ऑफ, कल का व्लॉग आज के लिए बाय, कल से मिलते हैं बहुत ही वीडियो व्लॉग के साथ, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन। ये 1 2 3 4 गौतम साहब द बॉडी बिल्डर, डोला फ्लेक्स कर दो, डोला फ्लेक्स कर दो इसी बात पे, फिर तो बड़े भाई क्यूटी सी आ रही है।